भोपाल के टीटी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात जबरदस्ती वसूली और धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी और उसके साथियों ने 5 राउंड फायर कर दहशत फैला दी। मौके पर पहुंची क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया तो साथियों ने फायरिंग करके अपने साथी को छुड़ाकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि सेज हेरिटेज कबाड़िया कला निवासी देवेश बिदुआ टेलीकॉम कारोबारी है। उन्होंने सोनू पचौरी नाम के व्यक्ति के खिलाफ क्राइम ब्रांच में जबरदस्ती वसूली और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया था। इस मामले में क्राइम ब्रांच को आरोपी सोनू पचौरी की तलाश थी। वहीं फरियादी देवेश बिदुआ को गुरुवार की रात फरार आरोपी सोनू दिखाई दिया। इस पर उन्होंने तुरंत क्राइम ब्रांच में सूचना दी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने देवेश से कहा कि तुम उन पर नजर रखो और पीछा करो, हम पहुंचते हैं। पीछा करने से नाराज होकर आरोपियों ने फायर किए। इस पर देवेश, हिमांशु और पुनीत आरोपी का पीछा करने लगे। इस दौरान आरोपी रोशनपुरा वीआईपी रोड लालघाटी होते हुए अन्य रास्तों से गुजरते हुए पुराने शहर पहुंचे, जहां पर क्राइम ब्रांच ने आरोपी सोनू और उसके साथियों को घेर लिया। तभी आरोपी वहां से भाग निकले और सीधे प्लैटिनम प्लाजा पहुंचे। इसी बीच क्राइम ब्रांच के एएसआई जुबेर अहमद, प्रधान आरक्षक सुमित शाह, प्रधान आरक्षक सुनील चंदेल और प्रधान आरक्षक संतोष परिहार पीछे से वहां पहुंच गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी सोनू को धर दबोचा। तभी उसके साथी गौरव, अश्विनी शर्मा, प्रतीक और अन्य साथियों ने मिलकर क्राइम ब्रांच की टीम पर हमला बोल दिया और आरोपी सोनू को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रतीक जोशी और अश्विनी शर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने आरोपियों पर 2 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें देवेश बिदुआ की ओर से हत्या के प्रयास, बलवा और क्राइम ब्रांच के एएसआई जुबेर अहमद की ओर से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचने और सरकारी कर्मचारी से मारपीट का केस है। तो घटना जो है इस प्रकार से है कि क्राइम ब्रांच की टीम एक आरोपी को पकड़ने के लिए गई थी। फरियादी भी वहाँ पे था जो 420 का अपराध उसने कायम करवाया था थाना क्राइम ब्रांच में। उस समय की घटना में जो फायर किया गया है वो आरोपी के द्वारा फरियादी पे किया गया है, जो देवेश विधवा करके नाम है उसके ऊपर किया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम के साथ जब आरोपी को पकड़ने का प्रयास किया गया था, तब आरोपी को छुड़ाने का प्रयास जो है वो आरोपियों के द्वारा किया गया, जिसमें से आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें आरोपी बैकग्राउंड इस प्रकार से है कि पहले फरियादी ने उस पर जो एफआईआर करवाई थी 420 वगैरह, उसी को आरोपी को पकड़ने के लिए क्राइम ब्रांच अपने फरियादी की मदद लेके उसको पकड़ने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान जब फरियादी के द्वारा बताया गया, लोकेशन बताया गया, तो आरोपियों के द्वारा उसके ऊपर फायर कर दिया गया और वहाँ से भाग गया।